नहीं चलेगी। लॉकडाउन लगाओ। जीवन बचाओ। नहीं चलेगी। लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं चलेगा। क्या नाम है भैया? सचिन सिरोही, महानगर अध्यक्ष, हिंदू जागरण मंच मेरठ। आज क्या कार्यक्रम? आज माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को डीएम द्वारा ज्ञापन देने के लिए आए हैं हिंदू जागरण मंच के महानगर के कुछ कार्यकर्ता। तो आज हमारी मांग ये है, एक तो कोविड को लेकर इतनी महामारी मेरठ जिला, पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिए कितना जितने जबरदस्त तरीके से यहाँ देखिए मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से तीमारदार जो मरीज के साथ में है, वो लोग गैस के सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है, गैस के ऑक्सीजन सिलेंडर जो है, ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर दर बदर भटकते हुए ऑक्सीजन की मांग को लेकर अस्पताल गुमराह कर रहे हैं, और प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है, जिसके अंदर प्रशासन को खुद मुहैया करानी चाहिए ऑक्सीजन अस्पतालों के अंदर, जिसके अंदर कालाबाजारी हो रही है। और प्रशासन को देखना चाहिए, जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है उसको लेकर प्रशासन अब भी अगर नहीं जागा तो फिर कब जागेगा। अब 15 दिन का लॉकडाउन की मांग है हमारी, और इसके साथ साथ जो वो वैक्सीनेशन है वो घर घर जाके लगे, अब अस्पतालों में माहौल नहीं है वैक्सीनेशन लगवाने का, तो प्रशासन को सोचना चाहिए। और जितनी जिस तरीके से भी ऑक्सीजन दवाइयाँ मैं कह रहा हूँ मुहैया कराई जाए, बेड जिसे नहीं मिल रहे हो वो मेरठ महानगर ने अपना व्हाट्सअप नंबर जारी करा, हमें बताए, हम उपलब्ध कराएंगे दवाइयाँ, वैक्सीनेशन, ऑक्सीजन और क्या नाम है आपका बेड, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमें बताएं, हम प्रशासन को भयंकर तरीके से सूचित करेंगे कि हर हालत में जो है मुहैया कराए। कहाँ से कराएगा प्रशासन जाने, हमें नहीं पता, प्रशासन को कराना पड़ेगा। ज़िंदगी से खिलवाड़ बिल्कुल सहन बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग, अब बहुत कर लिया हम लोगों ने।